हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम। जैसे कि हम सबको पता है कि जितने भी आजकल एग्ज़ाम होते हैं वो ऑनलाइन होने लगे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर कैसे कंसंट्रेशन को अपनी इंक्रीज करके रखें और एकदम से फोकस करके रखें अपने माइंड को, वो हम इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आर्टिकल निकालना है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हो, ठीक है। जैसे इतने सारे वर्ड्स हैं तो वही इसी एक कोई आर्टिकल होगा उसी के अंदर होंगे, या तो आप कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जिसके अंदर सिर्फ नोवल हो, नोवल के अंदर बहुत सारी वर्ड्स होते हैं। तो उस वर्ड के ऐसे ढूंढने के बाद, तो मैंने तो अभी द हिंदू का एक एडिटोरियल ढूंढ लिया है और उसका एक ऐसे रैंडमली ढूंढा है, कोई ये नहीं है कि मैंने कहीं से मतलब वो किया है। तो आपको ऐसे ही एक ढूंढना है आर्टिकल। आर्टिकल को ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर जितने भी ई हैं वो आपको सर्च करने हैं। यस, जितने भी ई हैं आपको वो सर्च करने होते हैं, ठीक है। एक ई ये है, एक ई ये है, ई ऐसे करके आपको जितने भी ई हैं इसके अंदर ढूंढने होंगे। फिर नीचे तक जाना होगा, ढूंढते ढूंढते जितने भी हैं वो ढूंढते रहना है और इसको आपको 15 मिनट तक करना है, ठीक है। ये आपको ऐसे लगेगा कि ये क्या हो रहा है, बट आपको 10 मिनट या 15 मिनट के बीच में आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो मेंटल फोकस है वो एकदम से इंक्रीज हो गया है। आपको जो दिख रहा था यहाँ पे वो ज़्यादा ब्राइट दिखने लगेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन के अंदर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से हमें हमारा माइंड एकदम से काम करने लग जाता है, तो हमें अच्छी तरह से दिखने लग जाता है। दूसरा फ़ायदा आपको यहाँ पे ये होगा कि जो आपकी जो जो आँख होती है, आँख यहाँ आपकी हिलती रहती है ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि आप सोचते हो या फिर सर्फिंग करते हो या मोबाइल में, हमारी आदत होती है कि हाँ वहाँ उसको हिलाना, ठीक है। तो ये वाली प्रैक्टिस करने से, एकदम से कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे ई ढूंढने से आपको क्या होगा कि जो आपकी आइज़ है वो एक तरह एक जगह पे स्थिर हो जाएगी, ठीक है। एक जगह पे एकदम फोकस हो जाएगी और आप जो पढ़ रहे हो वो आपके डायरेक्ट आपके माइंड के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये वाली आपको प्रैक्टिस करनी है और आप यहाँ तक ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और फिर आपको ऊपर जाना है, क्योंकि एक दो मिनट में ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको ऊपर जाना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। आप लेंदी कोई बड़ा आर्टिकल ढूंढ सकते हैं जो कम से कम 10-15 मिनट तक आपको ऐसे ढूंढने में करे, ये तो 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक पीडीएफ कोई नोवल ओवर डाउनलोड कर लो, उसमें आप ढूंढने की कोशिश करो। मैं ई इसलिए आपको बता रहा हूँ, ई ऐसा एक करेक्टर होता है जो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। ए बी सी डी में सबसे ज़्यादा जो करेक्टर हमें इसमें मिलेगा वो ई ही मिलेगा। आप ढूंढ के देख लीजिए, या ई ई, ठीक है, ई ई, उसके बाद ई, और ये जो ई है आपको अपने मन के अंदर दोहराना है ई ऐसे करके। ऐसे नहीं, मुंह पे भी बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, अगर आप अंदर भी बोलोगे तो चलेगा। जिससे क्या होता है ना, जो इधर उधर के थॉट्स होते हैं वो उसकी जगह पे आपका ये वाला थॉट्स शुरू हो जाता है। जैसे आप ई बोलोगे जो अंदर से थॉट चल रहे होते हैं वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। आपको अपने थॉट्स को कम करना है, यही यही आपको इसके अंदर करना है, ठीक है। और ये थॉट्स कम करना है, आपको थॉट्स ख़त्म करने की कोशिश मत करना है, क्योंकि थॉट्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। थॉट्स हमेशा चलते हैं, ठीक है। वो आप सपने में भी हो गए ना, रात में सो रहे हो गए, सपने में हो गए, तो वो भी आपके थॉट्स ही हैं। तो इसका मतलब है कि हम हमेशा सोचते ही रहते हैं, ठीक है। बट आप उसको कम कर सकते हो, उसका मेथड यही है। यहाँ पे आप अपने ये एक तरह की इस तरह से आप करके कर सकते हो, और ये एक तरह का क्या है, एक तरह की मेडिटेशन है। और वैसे तो आँख बंद करके एक मेडिटेशन होती है, आँख खोल के भी मेडिटेशन होती है। आँख खोल के जो मेडिटेशन होती है उसको हम त्राटक कहते हैं। त्राटक एक संस्कृत वर्ड है, बट अगर इसको हिंदी में मैं बताऊँ उसका मतलब है, त्राटक का मतलब होता है किसी चीज़ को टकटकी लगा के देखना, ठीक है। किसी चीज़ को कंटिन्यूस देखते रहोगे तो वो भी एक मेडिटेशन होता है, जिससे आपके मन के विचार कम होने लग जाते हैं, आपको बहुत ही हेल्दी फील होता है, ठीक है। एकदम से हैप्पी फीलिंग आती है अंदर से, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करिए 15 मिनट एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है, मॉक टेस्ट देने से पहले इसकी तैयारी करिए, और मतलब इसकी प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद आप एकदम से जो भी एग्ज़ाम या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके माइंड से थॉट्स हट चुके हैं, तो आपका माइंड एकदम से फोकस जो हो जाएगा 15 मिनट के बाद, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम देने की स्टार्ट करिए, आपका माइंड एकदम से कामली उस पर वर्क करेगा और फोकस फुल्ली फोकस होकर उस पर काम करेगा, ठीक है। उससे पहले क्या हो रहा होता है, आपके मन में इतने सारे विचार चल रहे होते हैं जिसकी वजह से आप जो पढ़ रहे होते हैं उस पर फोकस करने में आपको टाइम लगता है। तो वो जो फोकस है
वो हम एग्ज़ाम से पहले ये प्रैक्टिस करके हम कर सकते हैं। इसकी आप डेली प्रैक्टिस करिए, और ये 15 मिनट तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि 15 मिनट, वैसे आप इसको 1 घंटा भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई सर में दर्द या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये आप मत करें, क्योंकि ये कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती है वो सबके लिए नहीं होती है। आपके सर में पहले से कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से आपको हो सकती है, ठीक है। आईज में कोई प्रॉब्लम हो, बहुत देर से गेजिंग करो तो क्या पता आपको कुछ हो, हेडेक हो जाए, तो आप तब मत करिए वैसे, ठीक है। और ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए, जिसकी वजह से यहाँ पे ये देखिए, कोई यहाँ पे एक आर्टिकल, मैं रैंडमली आर्टिकल उठाया है, ये मुझे सही लगा क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के बारे में कुछ था। ये क्या था, अभी पढ़ लेते हैं। द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हैज एज अ पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू प्रिवेंट द चीटिंग आस्क स्टूडेंट नॉट टू वियर शूज एंड सॉक्स एंड इंस्टेड वियर द स्लीपर्स टू द अपकमिंग क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन बिगनिंग ऑन February 21। मतलब वो जो बिहार बोर्ड है वो बोल रहा है कि चीटिंग से बचने के लिए कि स्टूडेंट को ये शूज़ एंड सॉक्स मत पहन के आओ, उसकी जगह पे आप स्लीपर पहन के आओ, चप्पलें पहन के आओ और एग्ज़ाम दो। ये नॉर्मल सी बात है, हमारे जो SBI के एग्ज़ाम जो होते हैं हमारे बैंकिंग में, उसमें भी ये सब होता रहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि यहाँ पे आपको करना क्या, आपको पता चल गया होगा, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको आपको फ़ायदा होता है तो आपको करना क्या है कि आपको नीचे एक कमेंट डाल देना है, ठीक है। कमेंट डालना है कि यस मुझे इससे फ़ायदा हुआ है। अगर नहीं होता तो भी आप मुझे बताइए, मुझे पता करना है कि किस किस को क्या फील होता है, ठीक है। और अगर हेल्पफुल है ये तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं ऐसे टिप्स आपको देता रहूँगा जो आपके स्टडी में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, शेयर कर दीजिए सब लोगों से अगर अच्छा लगता है, अपने किसी फ्रेंड के जिसकी कंसंट्रेशन पावर नहीं हो पा रही है स्टडी में, तो ये वाली ट्रिक आप करिए और उसके बाद स्टडी करिए, आपको फ़ायदा बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।